तीन दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए बिछाने का काम अंतिम दौर पर पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य प्रमुख अतिथियों के लिए निर्मित मंच के ठीक सामने राम मंदिर के मंडप को बनाया गया है, जिस पर दीपों को बिछाया जाएगा। दिए की जगमगाहट पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। दिए बिछाने के काम में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समेत अन्य सामाजिक संगठनों के 22,000 वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग तो अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी प्रतिष्ठा से हर चीज़, हर एक काम कर रहे हैं मोदी जी को खुश करने के लिए। इस बार तो मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ का तो उत्सव ही अलग है। अयोध्या वासी हैं तो ऑब्वियसली अयोध्या के लिए तो बहुत कुछ करेंगे ही, तो हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। हम लोग का ये क्या कहते हैं, हम लोग का ये प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। हम लोग इसमें, हम लोग को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, हम लोग की खुशकिस्मती है। अब मोदी जी आएंगे, अब यहाँ देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। 5 साल से हम लोग ऐसे ही दिए जला रहे हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा, क्योंकि वो आ रहे हैं। ये वाकई बहुत ही हर्ष की बात है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। ये दूसरी बार है, पहली बार जब वो राम जी का शिलान्यास हुआ था मंदिर का, तब आए थे, और इस बार आ रहे हैं। तो इस बार उनके आने की खुशी में हम लोगों ने 100x50 का राम मंदिर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग दिए से सजाएंगे, जो ऊपर से 3D इफेक्ट से पूरा राम मंदिर उभर के सामने आएगा। हम सब लोग तो 5 साल से ही दिया जला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। और अच्छा, हम सब लोग मतलब यहाँ पे तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आज पहला दिन है और दिया लमसम में बिछ चुका है। 17 लाख पूरा दिया है वो लमसम में यहाँ बिछ चुका है, और कल जो बचा होगा कल बिछेगा, इसके बाद परसों दिया जलाएगा जब मोदी जी आएंगे, 17 लाख का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा।